नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वीकेश गुरु ज्ञान। और तवांग टूर का तीसरा दिन हमारा चल रहा है और पिछली वीडियो में आपने देखा माधुरी लेक और अभी हम जा रहे हैं बुमला पास की ओर। और बुमला पास का जो रोड व्यू है वो बड़ा ही शानदार है, वो उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है रोड व्यू की, तो आप वहाँ से आप चेक इन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम बुमला पास का जो एंट्री है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं, खास करके मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में, अप्रैल का भी महीना काफ़ी अच्छा होता है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर रिसेप्शन में हमने जाकर एक पास मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आ जाता है। तो बुमला पास आने के लिए आपको तवांग के कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, तो वहाँ से आपको पास बनाना पड़ता है। तो हाँ, हमने तो ड्राइवर को बोल दिया था तो ड्राइवर ने ही बनवा दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है ये, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो एक बार हमने जाकर अंदर नंबर लगा दिया है, तो क्योंकि ये ग्रुप वाइज आगे जाते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर लगभग 100 मीटर की दूरी पर है यहाँ से चाइना का, तो वहाँ देखने के लिए जाते हैं। उसमें लोट वाइज भेजते हैं, वो ग्रुप वाइज लगभग 20 से लेके 30 40 ऐसे करके बंदे भेजते हैं। तो अभी हमें आधा से एक घंटा लगेगा, तो उसको वेट करना था तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहा, तो हम बाहर आ गए फिर से। और मैं कहा चलो बर्फ़ में चलते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो ये है मेरा भारत महान, ये भी बहुत काफ़ी क्या बताऊँ, ये काफ़ी फेमस पॉइंट है यहाँ पर। कोई भी बुमला पास आता है तो मेरा भारत महान के पास तो फ़ोटो ज़रूर क्लिक करता है, और हमने भी किया। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बर्फ़ के साथ, स्नो के साथ खेलने के लिए। तो मैं भी फैमिली के साथ आया हूँ, साथ में मेरी बेटी वाइफ। और जो यहाँ का व्यू है वो मैं क्या बताऊँ, आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और व्यू तो है ही है, साथ में जो इसका रोड व्यू है, जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो लगभग हमारा एक घंटे का सफ़र ऐसे गुजरा कि मानो पता ही नहीं चला, बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं। तो वो जो यादें थी वो मतलब हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हमारे मेमोरी में फिट हो चुकी हैं। तो हमने भी काफ़ी यहाँ पर आके बर्फ़ में काफ़ी मस्ती की फैमिली के साथ, और इस चीज़ को हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो बुमला पास तो वन ऑफ दी बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, अगर मैं बात करूँ तो। आप कश्मीर जाते हो, जम्मू जाते हो, या कहीं भी जाते हो, लेह लद्दाख, लेकिन उधर का अलग एक्सपीरियंस है और इधर का बिल्कुल आपको अलग देखने को मिलेगा। तो यदि आप तवांग आते हो तो बुमला पास तो आना बनता ही है, तो बहुत ही शानदार व्यू। और रोड व्यू की मैं बात कर रहा था, तो रोड व्यू की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो एक बार आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा तक का समय जो बर्फ़ में बिताया और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अब हम चलते हैं अंदर, आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ, जो कि एक विजिटिंग रूम भी कह सकते हो, ये भी बनाया हुआ है जहाँ से आपकी एंट्री होती है। तो ये है वो विजिटिंग रूम बोलो, जो भी बोलो, रेस्ट रूम बोलो। तो यहाँ ये आर्मी के अंडर है टोटली, तो यहाँ आर्मी ने भी बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं, तो मैगीज़ वगैरह मिलते हैं, हमने भी मैगी का ऑर्डर दे दिया है। काफ़ी ठंड थी तो ठंड में तो मैगी कुछ गर्म गर्म चीज़ें मिली तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारी मैगी हो चुकी है तैयार, अब हम इसको खाएँगे और इसके बाद हम अभी जाएँगे। तो हमने ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने वो जो समय था वो बाहर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, उस समय को हमने काफ़ी यूटिलाइज़ किया। हम अंदर नहीं बैठे रहे क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, मतलब रश हमेशा लगा रहता है। तो दोस्तों, हमारा नंबर लग चुका है, अब हम इस ग्रुप में जाएंगे देखने। तो इन्होंने सबको जो नंबर एक लग जाता है, अभी आपका 65 है, आपका 67 है, तो इस तरीके से 20-30 जनों का जो ग्रुप है, जो जत्था है, वो लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पे बॉर्डर देखने जाता है। और इसके बाद आप वीडियो नहीं बना सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते, लेकिन मैंने आपके लिए चुपके से थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो आप देखिए इस चीज़ को और इन्जॉय कीजिए। घर बैठे ही आप बुमला पास के दर्शन कीजिए, ये देखिए, अरे भाई साहब, व्यू तो इतना शानदार है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, बहुत ही शानदार व्यू जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा, लेकिन जो लाइव देखते हैं ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, वो तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है। देखने में आपको कितना अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो हमने उस चीज़ को जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो बहुत ही शानदार, अविस्मरणीय कह सकते हैं। और ये है बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, उस साइड आपका चाइना है और इस साइड अपना भारत है। तो
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ फोटोग्राफ ली और आपको इन फोटोग्राफ के सारे छोड़ जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।